राजस्थान की सियासत विधानसभा चुनाव 2023 से पहले एक बार फिर जाट वोट बैंक पर केंद्रित हो गई है, लेकिन इस बार लड़ाई बीजेपी या कांग्रेस के बीच नहीं, इस बार लड़ाई जाट समाज के भीतर ही समाज का नेता बनने की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया दोनों जाट समाज से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन सूबे की सियासत के केंद्र में इस बार तीन दूसरे चेहरे भी है। पंजाब कांग्रेस प्रभारी पूर्व मंत्री और बायतू विधायक हरीश चौधरी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल। नंबर तीन पर आते हैं कि कांग्रेस की युवा नेत्री और ओसिया विधायक दिव्या मदेना। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 से ठीक पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरे हनुमान बेनीवाल तीन विधानसभा सीटें जीतने में कामयाब हुए थे और तेजी से जाट लीडर के तौर पर उभरे हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में पहले बीजेपी आलाकमान ने भी जाट वोटर को साधने के लिए हनुमान बेनीवाल से हाथ मिलाया। फायदा दोनों को हुआ, बीजेपी को जाट वोटर मिला तो हनुमान बेनीवाल भी बीजेपी की मदद से लोकसभा चुनाव जीतकर केंद्रीय राजनीति में प्रवेश करने में कामयाब रहे। राज्य में कांग्रेस सरकार थी, लिहाजा हनुमान बेनीवाल का काट निकालने की कोशिश शुरू हुई। इसी सिलसिले में तत्कालीन राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को नागौर जिले का प्रभारी मंत्री बनाया। ये साफ संदेश था कि हरीश चौधरी को बतौर जाट लीडर नागौर का प्रभारी मंत्री बनाना और साथ ही नागौर के नावा से आने वाले विधायक महेंद्र चौधरी को जोधपुर जिले का प्रभारी मंत्री बनाकर हनुमान बेनीवाल के प्रभाव वाले क्षेत्र में उनको कमजोर करने की कोशिश हुई है। उधर वक्त के साथ बेनीवाल का बीजेपी से गठबंधन टूटा तो कांग्रेस ने काफी हद तक राहत ली है। बाड़मेर में हनुमान बेनीवाल और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के काफिले पर हमला हुआ, तब भी दोनों नेताओं के निशाने पर हरीश चौधरी रहे। हनुमान बेनीवाल ने तो सीधे तौर पर आरोप लगा दिया कि हरीश चौधरी का इसके पीछे हाथ है और जाट लीडर बनने की इस लड़ाई में वक्त के साथ ओसिया विधायक दिव्या मदेना की एंट्री भी हुई। हनुमान बेनीवाल ने दिव्या मदेना के विधानसभा क्षेत्र ओसिया में पंचायती राज के चुनावों में घुसपैठ की कोशिश की तो दिव्या मदेना इसके जवाब में खींवसर के दौरे पर वहां का सियासी तापमान मापने लगी। हाल ही में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर हरीश चौधरी खुद को प्रदेश में ओबीसी लीडर के तौर पर स्थापित करने में लगे हैं, जिसमें मूल रूप से जाट वोटर निशाने पर है, तो वहीं ओसिया विधायक दिव्या मदेना भी एक तरफ जहां पार्टी के मुद्दों पर आलाकमान के साथ खड़े होकर प्रदेश स्तर के कई नेताओं से सीधी टक्कर ले रही है, तो वहीं ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भी खुलकर समर्थन दे रही है, जिसे जाट समाज में उनकी छवि तेज तर्रार युवा नेता के तौर पर बन रही है। दिव्या मदेना हाल ही में राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुई थी। मदेना ने सुरक्षा घेरे में डी में जाकर कुछ दूरी राहुल गांधी के साथ तय की थी। इस दौरान राहुल गांधी के साथ उनकी बॉन्डिंग कई दूसरे नेताओं के लिए चिंता का विषय जरूर बनी थी। दूसरी तरफ हरीश चौधरी ओबीसी आरक्षण के मुद्दे के जरिए खुद को प्रदेश स्तर पर जाट नेता के रूप में स्थापित करने में लगे हैं, तो वहीं सरदार शहर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनावों में बीजेपी कांग्रेस से इतर जाट उम्मीदवार उतारकर हनुमान बेनीवाल ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की बिसात बिछानी भी शुरू कर दी है। ऐसे में देखना होगा कि जाट लीडर बनने की इस लड़ाई में किस नेता का दांव मजबूत हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज़।